हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सर, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सर, आज की वीडियो अपनी क्लॉथ कलरिंग के ऊपर होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक देखेगा ना। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता या कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सर, फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल में। तो यार, सबसे पहले अपन कलर पायलट बना लेते हैं। तो सिंपल, इसके लिए अपन क्लोज पे जाके नॉर्मली कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसका थोड़ा जो डार्क कलर होता है वो अपन को ले लेना है, जो कि ब्लैक होता है। सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इससे आपको थोड़ा लाइट कलर और लेना है, फिर इससे थोड़ा और लाइट, और इससे भी थोड़ा और लाइट। तो इस तरह मैंने चार कलर ले लिए। तो सिंपली आपको भी इसी तरह चार कलर ले लेने हैं। और अब मैं शर्ट का भी चार कलर ले लेता हूँ। सर, कलर पायलट बनाना बिल्कुल ईजी है, तो कलर पैलेट में मैं वीडियो ले आऊँगा जल्दी। फिर इसका अपन थोड़ा और लाइट कलर कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। वैसे क्लोज कलरिंग में चार कलर यूज़ करता हूँ मैं, बाकी आपके ऊपर है आप कितने कलर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली चार या पांच कलर में आप अच्छी खासी कलरिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो क्लोज में सबसे ज़्यादा डार्क जगह है वहाँ पर अपन ये डार्क वाला कलर, ब्लैक कलर भर देंगे। आप देख सकते हो मैं कहाँ कहाँ भर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क एरिया है, तो मैं ये जो सबसे ज़्यादा डार्क कलर है अपना वो वाला भर रहा हूँ। आप देख सकते हो, जहाँ भी एरिया है वहाँ वहाँ पे मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। आप देख सकते हो, और यहाँ ऊपर भी मैं सिंपली दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ब्लैक, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर भी थोड़ा ब्लैक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। सर, ये सही से हो नहीं पा रहा, तो इसके लिए मैं पेन टूल का यूज़ कर लेता हूँ। सर, मैंने जिन लोगों को पेन टूल यूज़ करना नहीं आता, तो यार मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके चेक कर लेना। तो यार मैंने ये सिंपली ड्रॉ कर दिया है, और इधर भी मैं पेन टूल से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, सिंपली इस तरीके से भी आपको पूरी आउटलाइनिंग कर लेनी है सबसे ज़्यादा डार्क कलर से। मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी अपना हो चुका है, अभी जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे अपन इरेज कर देते हैं। आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा डार्क सा है, तो मैं इधर भर देता हूँ, ये थोड़ा आउटलाइनिंग जैसा लगेगा। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डार्क है, तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। आप देख सकते हो सिंपली किस तरीके से मैं कलरिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है क्लोथ कलरिंग करना। इस तरीके से आपको डार्क कलर कर देना है। और ये नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा डार्क एरिया है, तो मैं ये वाला कलर भर देता हूँ इस तरीके से। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा अपन कलर भर देंगे। आप देख सकते हो, अभी इधर भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो मैं इधर भी ये वाला कलर कर देता हूँ। ये अपनी स्टेप फर्स्ट है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सर, बाकी स्टेप तो सारी सेम ही है, पहले डार्क कलर, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, इस करके आपको सारी कलरिंग करनी है। तो इधर भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी डार्क है, तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। सिंपली आपको भी इसी तरीके से कर देना है। सर, इससे क्या अपने ब्लेजर की पूरी आउटलाइनिंग भी लगेगी ब्लैक कलर से। आप देख सकते हो इधर नीचे भी थोड़ा बचा हुआ है, तो मैं यहाँ भी और कर देता हूँ कलर। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे भी बचा हुआ है, तो मैं सब जगह कलर कर देता हूँ, जो भी मेरे को लग रहा है हाँ भाई डार्क एरिया है वहाँ वहाँ पे मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो मैं इधर भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो यार उसके बाद अपन सेकंड वाला कलर ले लेते हैं, जो कि इससे थोड़ा लाइटर। आप देख सकते हो, अभी आप इसको हाइड करके भी देख सकते हो ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, बाकी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, जो ठीक लग रहा है उसी से ड्रॉ करना है। तो ये मेरे को सही लगा, मैं इसी से ड्रॉ कर देता हूँ। आप देख सकते हो जो कुछ बचा हुआ एरिया है डार्क वाला, कम डार्क वाला,
वहाँ पे मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे जितना भी एरिया बचा हुआ है तो मैं सब जगह यही वाला कलर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इधर भी थोड़ा एरिया है तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ इधर भी। सो सिंपली जिस तरीके से अपने इस क्लोज में सेट हो जाए उस तरीके से मैं कलर कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो। सो यहाँ ऊपर भी है थोड़ा सा तो मैं इधर भी कर देता हूँ। तो बस सिंपली आपको इसी तरीके से कलरिंग करनी है, जहाँ पे आपको डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पे डार्क कलर, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, इस तरीके से आपको पूरे क्लोथ्स पे, फेस पे, सब जगह आपको इसी तरीके से आउटलाइनिंग करनी है। सो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ नीचे भी थोड़ा कलर कर देता हूँ। तो नीचे अपना क्या थोड़ा शेडो जैसा ज़्यादा ही आ रहा है तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो ये अपना सेकेंड कलर है तो मैं इस तरीके से भर देता हूँ। तो फिर मैं इस तरफ भी यहाँ से कलर भर देता हूँ, आप देख सकते हो। सो इधर भी अपना काफ़ी ज़्यादा एरिया बचा हुआ है तो मैं देख सकते हो आप किस तरीके से कर रहा हूँ। सो सिंपली आपको भी इसी तरीके से करनी है। तो आप देख सकते हो जितना भी एरिया बचा हुआ है तो सब जगह अपन कलरिंग कर लेते हैं। सो इधर भी थोड़ी शेडो जैसी आ रही है तो मैं यहाँ भी ये कलर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जितनी भी जगह बची हुई है तो मैं सब जगह यही वाला कलर करूँगा। तो देख सकते हो यहाँ भी थोड़ा शेडो जैसा है तो मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो यार कितना ईजी है कलर कलरिंग करना। सो धीरे धीरे आप भी सीख जाओ। सो आप देख सकते हो। अभी नीचे थोड़ा कलर बचा हुआ है तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो आप सिंपली देख सकते हो जहाँ जहाँ पे भी आपको शेडो दिख रही है वहाँ पे सिंपली कलर कर देना है। तो यहाँ पे भी थोड़ी शेडो तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो अभी देखो यार अपना कलर कितना सही लग रहा है। ये अपना दूसरा कलर था, उसके बाद अपन इतना थर्ड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सिंपली पूरे क्लोथ्स में फिल कर देते हैं। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे भी क्लोथ्स हैं तो मैं इसे पूरा फिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो पूरे क्लोथ्स में मैं इस वाले कलर को, थर्ड कलर को फिल कर लेता हूँ। बाकी जो अपना फोर्थ कलर है उससे अपन थोड़ा लाइटिंग सा इफेक्ट दे देंगे क्लोथ्स पे, उससे क्या अपने जो भी क्लोथ्स है वो काफ़ी रियल लगेंगे। सॉरी इससे यार यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं हो पाया तो मैं यहाँ सही से कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना थोड़ा सा कटा हुआ है तो मैं इसे भी पूरा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी साइड पर मैं ये वाला कलर फिल कर देता हूँ पूरे क्लोथ्स में जहाँ जहाँ पे भी है अपना। सो मैं आप देख सकते हो सिंपली इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यार कितना सिंपल है, बस दो तीन स्टेप में अपने पूरे क्लोज हो जाते हैं। सो जहाँ पे भी एरिया बचा हुआ है सिंपली वहाँ पे आपको ये वाला कलर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद अपन फोर्थ कलर ले लेते हैं। तो इसके ऊपर सिंपली आपको एक लेयर लेना है और आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है जहाँ पे भी क्लोज पे लाइटिंग पड़ रही है, मतलब लाइट जैसा। तो आपको यहाँ पर लाइट कलर भर देना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अपने लाइटिंग आ रही है तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ इस तरीके से। सो ये देख सकते हो अपनी कलरिंग लगभग हो चुकी है। सर बिल्कुल सिंपल है, अगर फिर भी आपको क्लोथ कलरिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे भी हैं एरिया बचा हुआ तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। सर अभी अपने क्लोथ्स रियलिस्टिक नहीं लग रहे, अभी अपन इसे थोड़ा और स्मूथ बनाएंगे। सर उसके लिए अपन ग्रेडियंट का यूज़ भी कर सकते हैं। सर मैंने पहले तो ग्रेडियंट का यूज़ किया बट मेरे को सही नहीं लगा, तो फिर मैंने ग्रेडियंट का यूज़ नहीं किया, मैंने ओपेसिटी का यूज़ किया है। सो ओपेसिटी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है,
आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपली अपन ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं सेकेंड, और इसी लेयर पे अपन ओपेसिटी कम करके इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। सो यार इससे क्या अपने जो क्लोथ्स हैं वो काफ़ी रियल लगेंगे, आप देख सकते हो। जो भी ज़्यादा लाइट एरिया होगा वो ये वाला कलर स्मूथ कर देगा, आप देख सकते हो। तो मैं इधर भी यही वाला कलर कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हो यार आप बनने के बाद कितना सही लगेंगे अपने क्लॉथ्स। सो जहाँ जहाँ पे भी लाइटिंग ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे मैं ये वाला कलर कर देता हूँ सर। उसके बाद अपन जो अपना लास्ट ब्लैक कलर है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी भी अपन ओपेसिटी कम करके उसी लेयर पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अभी आप देख सकते हो अपने क्लॉथ्स काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं सर। इससे जो कलर है वो अलग नहीं दिखेंगे, जैसे डार्क है तो डार्क अलग ही दिख रहा है, अभी ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हो। और यार इधर भी थोड़ा ये अलग अलग ही दिख रहा है ब्लैक कलर, तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी में अराउंड 30-40% कुछ रखी है, तो आप देख सकते हो अभी अपने क्लोथ्स काफ़ी रियल हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैं ये वाला कलर इधर भी कर देता हूँ। सो भी आप देख सकते हो यार काफ़ी रियल हो चुके हैं अपने क्लोथ्स। तो सिंपली आप भी इसी तरीके से क्लॉथ कलरिंग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। तो उसके बाद अपन क्लॉथ्स की सॉरी शर्ट की भी आप कलरिंग कर लेते हैं। तो यार उससे पहले अपन इस टाई की भी कलरिंग कर लेते हैं। सो सिंपली आपको वही सेम स्टेप, पहले डार्क कलर लेना है, और जहाँ पे भी आपको डार्क एरिया दिख रहा है आपको इस तरीके से भर देना है इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क है, तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा डार्क है, तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी अपन वही चार कलर यूज करेंगे। तो अपना फर्स्ट कलर हो जाएगा, उसके बाद अपन सेकंड कलर लेंगे, और इसमें जो भी एरिया बचा हुआ है अपना शेडो वाला मतलब कम डार्क, वहाँ पे अपन ये वाला कलर कर देंगे। सो आप देख सकते हो अभी अपना कितना अच्छा हो चुका है। सो जहाँ पे भी बचा हुआ है तो मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ सिंपली से। सो अभी आप देख सकते हो, और यार इधर नीचे भी हैं तो मैं इधर भी कर ले रहा हूँ, सो आप देख सकते हो। बस जहाँ जहाँ पे आपको डार्क दिख रही है शेडो जैसी, वहाँ पे आपको ये वाला कलर कर लेना है, सो आप देख सकते हो। उसके बाद अपन को थर्ड कलर लेना है और पूरे में फिल कर लेना है सिंपली इस तरीके से। सो अपनी टाई भी लगभग ठीक पूरी बन चुकी है, तो इसमें पूरा फिल कर लेना है आपको। तो उसके बाद अपन फोर्थ कलर ले लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा लाइटिंग जैसा अपन इसमें भर लेते हैं। सो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। चार आप देख सकते हो कितनी इजी है क्लॉथ कलरिंग करना। सो अभी अपना लगभग हो चुका है, सो उस अपन शर्ट की भी कलरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे लेयर ले लेनी है, और जो आप देख सकते हो जो डार्क वाला कलर है और जो सबसे ज़्यादा डार्क जगह है वहाँ पर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यार, आप सिंपली देख सकते हो जहाँ पे भी डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पे आपको सिंपली बिना सोचे समझे आपको कलर ड्रॉ कर देना है। तो आप देख सकते हो डार्क जगह है तो डार्क कलर, लाइट है तो लाइट, सिंपल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इधर भी थोड़ा शेडो जैसा आ रहा है, तो मैं ये वाला कलर भर लेता हूँ। सो उसके बाद अपन डार्क सेकंड वाला कलर ले लेते हैं, सॉरी कम डार्क वाला, और सिंपली इसके नीचे लेयर लेके आपको जो कम शेडोज दिख रही है वहां पे भर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अपने ये शेडो कम, तो मैं इधर ये भर लेता हूँ इस तरीके से। जहाँ जहाँ जिस तरीके से दिख रही है वहाँ वहाँ पे आपको उसी तरीके से भर देना है। सो आप देख सकते हो जितनी भी जगह बची हुई है मैं सब जगह पे भर लेता हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी थोड़ी सी जगह है, तो मैं इधर भी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो उसके बाद अपन को थर्ड कलर लेना है और पूरे शर्ट में आपको इस तरीके से फिल कर लेना है। तो आप देख सकते हो सो मैं इसे पूरे में फिल कर लेता हूँ। तो ये अपना लगभग हो चुका है। उसके बाद आपको लाइट कलर लेना है, फोर्थ कलर, और इसके ऊपर ले लेके आपको सिंपली इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसे आप देख सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोथ्स में थोड़ी लाइटिंग जैसी आ रही है, तो मैं ये वाला कलर करूँगा। सर उससे पहले अपन ये वाला कलर कर लेते हैं, हमने थोड़ी शेडोज बच गई थी, सो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। अभी अपना हो चुका है। उसके बाद लेते हैं अपन लाइट वाला कलर और थोड़ा थोड़ा अपन लाइटिंग जैसा भर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यार अभी अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। सर होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक मिलते हैं आपसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।